नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोगों को यूजीसी की जो अभी अपडेटेड लिस्ट आई है फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में, कौन कौन सी वो फेक यूनिवर्सिटीज है जिनका नाम यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है, लिस्ट डाल दी है। हालांकि पहले भी कई यूनिवर्सिटीज के नाम थे, कई सालों से लगातार लिस्ट बनती आ रही है और यूजीसी पर लिस्ट डलती जा रही है, उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं और अक्सर उनके झांसे में फंस जाते हैं और फेक यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं आज बताऊंगा उन यूनिवर्सिटीज के नाम, बताऊंगा आपको यूजीसी की साइट पर ले जाकर कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज है। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जानने के लिए कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी ने फेक करार दे दी है, जो नई लिस्ट आई है अभी 7 अक्टूबर 2020 में, अभी जो लिस्ट जारी हुई थी यूजीसी के द्वारा, आप उसको कैसे चेक करेंगे? आप सीधा जो भी अपना ब्राउजर खोलेंगे उसमें गूगल में आकर आप सीधा लिखिए यूजीसी, यूजीसी आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा हुआ है www.ugc.ac.in। ये है यूजीसी की वेबसाइट। तो दोस्तों, जैसे ही आप आते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, आने के बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। आप जैसे इंटरफेस पे आते हैं यूजीसी के, यहाँ यूनिवर्सिटीज का कॉलम है, आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज आ जाती है यहाँ पर। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सब जो कॉलम खुलते हैं उसमें आता है फेक यूनिवर्सिटीज। फेक यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट जारी की गई है यूजीसी के द्वारा, वो सब ये यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी ने अभी लिस्ट जारी की थी अपने 7/10/2020 में। आप पहले पर ही आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो जैसे ही आप उस पर 7 अक्टूबर 2020 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो नोटिस आ जाता है, तो जिसके तहत यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज को फेक करार दिया है और यहाँ उसके बारे में सब बताया भी है। लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड द डिग्री। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से एफिलिएटेड है या एफिलिएट बनाई गई है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई भी जो यूजीसी पर लिस्टेड है, वही यूनिवर्सिटीज आपको डिग्रीज अवार्ड कर सकती है, अदर देन कोई भी यूनिवर्सिटी है तो वो फेक मानी जाएगी। वो सब लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। अब मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज वो हैं कौन कौन सी। आप पहले दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में टोटल 7 फेक यूनिवर्सिटीज हैं। नाम लिखे हमने कमर्शियल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ADR सेंट्रिक, जुडिशियल यूनिवर्सिटी, आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ऐसे ये 7 फर्जी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है दिल्ली में। कर्नाटक में भी एक यूनिवर्सिटी है, केरल में भी एक यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में भी एक यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में 2 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। उसके बाद में आप आगे आते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 8 यूनिवर्सिटीज फर्जी यूनिवर्सिटीज अभी चल रही हैं। इसमें अगर देखोगे टोटल 8 इसके अंदर लिस्ट बनाई गई है। साथ में आप आते हैं उड़ीसा में, उड़ीसा में भी 2 यूनिवर्सिटीज है जो फर्जी है। पुडुचेरी में आप आते हैं, पुडुचेरी में वहां पर भी एक यूनिवर्सिटी है। आंध्र प्रदेश में भी एक यूनिवर्सिटी है जो लिखा है भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ। इसका केस ऑलरेडी यूपी हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, उसका वर्डिक्ट आना भी बाकी है, उसका अभी जजमेंट आना बाकी है, उसके बारे में भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये होता है कि पहले भी हमने जो वीडियोस बनाई थी आपने देखा हो, इनमें से कई नाम आपको उस लिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। कई नाम तो ऐसे 10-10, 12-12 साल से लगातार इस लिस्ट में आते जा रहे हैं बट अभी तक भी उन पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, और एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है वो तो खैर गवर्नमेंट ही जाने। पर मैं आपको बताऊं, आप अगर इन यूनिवर्सिटीज जाओगे, यूनिवर्सिटीज का एड्रेस निकाल के जाओगे, इजीली तो आपको एड्रेस मिलेगा नहीं, बट अगर एड्रेस मिल भी जाएगा, आप जाते हो वहां पर, तो सिर्फ आपको हार्डली गार्ड बैठा मिलेगा या फिर 2 लोग मिलेंगे जो रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते ही क्यों हैं, और लेते हैं तो वो यूज कहां करते हैं? यूज हो जाते हैं कहीं प्राइवेट जॉब में, या कहीं किसी को बाहर जाना है, छोटे मोटी चीजें करवानी है, तो उसके लिए लोग ले जरूर लेते हैं। बट मैं आपको बताऊं, इन यूनिवर्सिटीज की डिग्री किसी भी तरह से मान्य नहीं है, नहीं लेनी चाहिए। ये फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जो जारी की है फिलहाल अभी यूजीसी ने 7 अक्टूबर 2020 में। तो दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो यूजीसी टाइम टू टाइम अपनी लिस्ट जारी करती रहती है
फेक यूनिवर्सिटीज, फेक इंस्टीट्यूशंस और जो फेक एक्टिविटीज हो रही है, गलत एक्टिविटीज हो रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके बारे में बताती रहती है अक्सर। बट फिर भी स्टूडेंट्स को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए पहले कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है, जो उनके द्वारा कोर्स कराए जा रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और भी बहुत कुछ। अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 यूनिवर्सिटीज के नाम दिए थे उनको भी आप जरूर देख लें, क्योंकि हालांकि वो फर्जी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट फिर भी यूजीसी ने कुछ चीजें बताई हैं कि आपको वो चीजें देखना बहुत जरूरी है। और अगर किसी स्टूडेंट ने वहां से कोर्स किया है या करने वाला है तो उसको देखना जरूरी है उस यूनिवर्सिटी गुणवत्ता के बारे में और क्या क्या वो रूल्स फॉलो कर रही है यूजीसी की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आप चेक करेंगे फेक यूनिवर्सिटीज के नाम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपने समझा होगा, जाना होगा, उन यूनिवर्सिटीज में आप भूलकर भी एडमिशन नहीं लेंगे। दोस्तों अच्छा लगा हमारा आज का वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन, इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।